अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी आज का सीन ये है कि अच्छा आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है। अच्छा सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ जर्मनी, और बिजनेस ट्रिप है बेसिकली। तो मेरे साथ मेरे अंकल हैं, मेरे मामू मतलब, तो उनके साथ जा रहा हूँ। पैकिंग मैंने कर ली है, मेरा बैग रेडी है, मेरा हैंड कैरी भी रेडी है, बस अब मैं निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 7:15, मेरी 10:30 की फ़्लाइट है, तो बस फटाफट निकल रहा हूँ, वहाँ जाके मिलते हैं एयरपोर्ट जाके। हाँ रख लिया, चलो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई हम लोग आ गए एयरपोर्ट, अब मिलना रवाना होगा। ठीक है, अकेला जा रहा हूँ, फैमिली के साथ ही जा रहा हूँ, बस चलो भाई फ्लाइट आ गई है मेरी। तो हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे फास्ट है, मैंने अपना ले लिया स्लिप। तो अभी हम लोग आ गए हैं मजेस्टिक के लॉन्च में, फ्री लॉन्च होता है बेसिकली, कार्ड से आपको हो जाता है। ये रखो रखा तो अभी है कि हम लोग यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स वगैरह खाएंगे, एपेटाइजर्स खाएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। मुफ्ता जरूरी है तो अभी हमने चिकन डायनामाइट मंगवाया था और डाइट पेप्सी और ब्राउनी मंगवाई थी। तो लेट्स एंजॉय द फूड। तो भाई बोर्डिंग की लास्ट कॉल आ गई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग के लिए, तो मिलते हैं प्लेन पे। ले ली, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ गए और थोड़ी देर में अभी फ्लाइट निकलने वाली है, फोन वगैरह रखने को बोल रहे हैं, दुबई जाके फिर बाकी की बात बताते हैं। तो भाई एयरपोर्ट पहुँचे, लोग दुबई आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई फाइनली हम लोग दुबई के एयरपोर्ट आ गए, अभी हम लोग गेट पता करेंगे अपना गेट कौन सा है। मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, कतर का एयरपोर्ट तो अभी देखा है रिसेंटली, बट दुबई का एयरपोर्ट मैं लास्ट टाइम जो आया था 2017 में आया था। तो अब देखते हैं कितना चेंज हुआ है, क्या फ़र्क आया, लेकिन अभी तक तो जहाँ तक है मुझे कतर का बहुत अच्छा लगा है। गेट पे आके बैठ गए क्योंकि यहीं पे सीट मिल रही थी, बहुत फुल जा रहा है, जर्मनी के लिए भी बहुत फुल जा रहा है। अब हमें भी सीट्स जो मिली हैं वो मिली हैं, विंडो नहीं मिली है, विंडो के बराबर वाली मिली है। 4 घंटे की वेटिंग है और 4 घंटे में बुरा हाल हो, अभी तो 1 घंटा हुआ है सिर्फ हमें, और अभी इतना बुरा हाल हो गया थक के क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही है। भाई अभी ये था कि मैं वॉशरूम चला गया था और बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो गई थी, और बस
इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी लास्ट पर्सन जो है प्लेन पे चढ़ने वाला मैं ही हूँ और आप देख सकते हैं पूरा पीछे खा लिया और हम बोर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी देखो भाई साहब जा चुके हैं, मैं बस लास्ट मिनट मार रहा हूँ, फाइनल कॉल चल रही है। ये क्या बात करता है यार। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ फ्रैंकफर्ट, बेसिकली जर्मनी में आ गया हूँ। अभी लैंड हुआ हूँ बस, तो अभी ये है कि इमिग्रेशन कराएंगे, अपनी होटल जाएंगे और यहाँ पे अभी हो रहे हैं मेरे पास 7:30, 7:30। ठीक है ना, मेरी वॉच सेट नहीं हुई, भैया सेट करनी पड़ेगी। गजब बेइज्जती है। और यहाँ पे सूरज निकलता है भाई 8 AM के बाद। अच्छा ठीक है, समझ गया। सनराइज एट 8:30, मतलब इतना लेट होता है। इमिग्रेशन करा के अभी फारिग हुए, अब लगेज ढूंढने जा रहे हैं, लगेज निकलेंगे लेके फिर होटल। अच्छा वैसे कोई इतना ख़ास नहीं है इन लोग का एयरपोर्ट, बस सही है, नॉर्मल है। इससे ज़्यादा बेहतर तो मेरे ख्याल से अंतालिया का था, ओ इस्तांबुल का था। इनका लगेज एरिया, अब हमें लगेज एरिया में ढूंढना है, घूमना है। मेरे ख्याल से यहाँ रश है, वही है हमारी फ़्लाइट, और कोई फ़्लाइट तो आई नहीं है, बाकी सब पूरा खाली है। भाई यार तकरीबन आधा घंटा हो गया है, सबके लगेज आ गए, सब मेरा ही लगेज अभी तक नहीं आया। लगेज आ गया मेरा, वो रहा ये रहा, इसको उठा लेंगे, ये सीधे मेरे कदमों में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी लगेज आ गया, हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ, मिलते हैं होटल जाकर। तो भाई अब बाहर निकलने ही कर रहा है, होटल का एड्रेस देंगे, टैक्सी लेंगे घर। पिलियल बॉल होटल, टैक्सी लेंगे होटल। लोग टैक्सी के जगह पर खड़े हैं और आप यकीन नहीं मानोगे कौन सी गाड़ियाँ हैं, टैक्सी हैं। देख रहा मर्सिडीज बेंज को टैक्सी बनाया हुआ है। मैं आगे बैठी हूँ, तुम बैठो आगे, मसला नहीं है। तो भाई अभी लोग गाड़ी में बैठ गए, फैन है। राइड शुरू हो गई हमारी। चाबी मिल गई है, पूरे रूम में जाते हैं, रूम देखते हैं कैसा है। थर्ड फ्लोर है भाई, तो अर्ली चेक इन करता है। तो भाई अच्छा भाई ये रूम है हमारा, कार्ड वार्ड सिस्टम नहीं है यहाँ पे ना, बस ग्लोरियस तेज रूम नॉर्मल है, बस 17,000 में क्या बुरा है, 17,000 rupees पर नाइट। लेफ्ट राइट है ये है? क्या है ये? ये वॉशरूम है भाई, शावर का जगह है, ये शावर करने की जगह है बस। असंभव। ओ बस अभी यार मैं अपना कपड़े चेंज कर रहा हूँ, सपना को फ्रेश कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम निकलेंगे हेमटेक्स के लिए। तो भाई अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने निकल गए, तैयार व्यार हो गए, लेकिन बारिश बहुत खराब हो रही है यार, सारा सीन खराब हो गया बारिश की वजह से, बहुत नाजुक सूरत हाल है।
तो अभी हम लोग अपने होटल के सामने एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे टर्किश सारा खाना मिलता है, तो अभी हमने 3 डिशें ऑर्डर करी हैं। हमारी दूसरी डिश लोग बैठ गए, पानी हो गए। तो भाई बहुत गंदी बारिश हो गई है, बहुत बुरा हाल हो गया है, लेकिन घूमना तो फिर भी है भाई। हाल दिख रहा होगा आप लोगों को। चलो आज बहुत टाइम बाद बहुत खुशी हुई कि हमारे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, और वो भी फ्रंट पे माशाल्लाह। तो अभी हम लोग हॉल्स जो हैं इनके इस तरह हॉल बने हुए, हम सारे हॉल विज़िट करेंगे, आपको दिखाते हैं फिर क्या है एमटेक्स होता है क्या। तो भाई एक तरह का एक एक्सपो सेंटर है जहाँ पे हॉल्स जो हैं बनाए हुए, और ये पूरे हॉल्स हैं सारे। तो अभी मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था कि हम लोग 8 की तरफ जा रहे थे, और 8 का आपने देखा था कितना बड़ा है। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको 10 दिखाता हूँ, फिर 12 दिखाता हूँ, और इस तरह तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ कंफर्म नहीं है मगर 12-13 तक है कुछ मेरे ख्याल से। तो इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकता, आप हफ्ता भी ले लो ना पूरा नहीं घूम सकते मेरे भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, वो 12 है, ये 10। हमारा पाकिस्तानी ब्रांड आ गया भाई गुल अहमद, और यहाँ सबसे ज़्यादा रश है अभी। सबसे अल करम आ गया, या ये भी पाकिस्तानी आ गया। बहुत बेशुमार पाकिस्तान के जाने माने लोगों के स्टॉल लगे हैं। अभी हम गुजर रहे हैं यूनिस टेक्सटाइल्स के बराबर से। लकी का भी तो लगा हुआ है, सर्वे कर रहे हैं, थक गए हम टायर्ड वाला, क्योंकि नॉन स्टॉप हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, टायर्ड हो रहा हूँ। शक्ल से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, तो बस ये कि अभी ख़त्म होटल जाके फिर आपको।
तो भाई अभी हम लोग स्टेशन आए हैं इनके, अभी यहाँ से हम लोग अपनी टिकट्स वगैरह कंफर्म करेंगे कल के लिए। इनका मेन स्टेशन है जहाँ से सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रेन जाती हैं। सेवन का स्टेशन चेक करो यार, मतलब क्या बताऊँ बस मैं, इतना कोई मैसिव है ना, इसकी कोई इंतहा नहीं, और सफाई सुथरा क्या क्या निज़ाम है। लेट मी गाइस शो यू। तो पहली बात, बुलेट ट्रेन है सारी, बुलेट ट्रेन बहुत सफाई सुथराई है भाई। रिजर्वेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप करवाना चाहते हो करवा लो, या तो आप डायरेक्ट ट्रेन में जाके बैठ जाओ, वो खुद ही आपको कर देंगे। बाल 29.50 यूरो की है भैया मुझे रिजर्वेशन 5 लोगों की, ठीक है ना, तो ये हम लोग सब एक साथ ही बैठेंगे। तो बात ये है कि अगर आपकी मर्ज़ी आपको करवाना है करवाओ, नहीं करवाना नहीं करवाओ। बाकी मैंने जो पास है ये यूरियल पास है। तो भाई बारिश अभी है कि थोड़ी बहुत रुक गई थी, हो रही थी लेकिन ये था कि काफ़ी कम हो गई थी, पहले तो बहुत तेज़ हो गई थी दोपहर के टाइम में, 12-1 बजे तक बहुत तेज़ थी, बट ये था कि उसके बाद बहुत नॉर्मल हो गई थी, और अभी ये कि नहीं हो रही है, रुक गई है। अभी थोड़ी देर सोएंगे, रात में हिम्मत हुई तो निकलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे आसपास जाके क्या है, तब तक के लिए।